brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए रची गई अपने ही चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हराने के साथ ये खेल शुरू हुआ था। सिंघवी तो हार गए लेकिन कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते बच गई। अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के बैक टू बैक दाव फंसाते जा रहे हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से 6 विधायकों की बगावत कराई, उनको अपने साथ ले लिया। सत्ता में होने का फायदा उठाकर कांग्रेस ने सबकी सदस्यता खत्म करा दी। सदस्यता खत्म करने का केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बाद भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 6 बागियों को टिकट देकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यहीं से बीजेपी का खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस के बागियों को हराने के लिए ही पैदा हो गए बीजेपी में बागी। जिन 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी के नेताओं ने बगावत करके बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजेश कालिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गगरेट से बीजेपी उम्मीदवार चेतन शर्मा के खिलाफ कांग्रेस का टिकट मिलने की उम्मीद है। राजेश कालिया 2022 तक कांग्रेस में होते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कि बीजेपी का खेल देखकर राजेश कालिया ने राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल से कांटेक्ट किया था। रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से कैप्टन रंजीत सिंह भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन में लगे हैं। ये तीनों उन सीटों पर टिकट के दावेदार थे जिन पर बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया। बगावत के बाद कांग्रेस ने तय किया था कि बीजेपी से किसी को नहीं लेंगे, लेकिन अब बीजेपी को टिट फॉर टैट जैसा सबक देने के लिए बागियों को कांग्रेस सिर पर बिठा रही है। कांग्रेस के बागियों को पार्टी में लाने के बाद बीजेपी में असंतोष तेज हो रहा है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की कोशिशों के बाद भी बागी बगावत पर कायम है। कह रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट मिले या ना मिले अब बीजेपी में नहीं रहेंगे। कांगड़ा से बीजेपी सांसद किशन कपूर भी कांग्रेस में दिख रहे हैं क्योंकि उनका टिकट कट चुका है। उनको रोकने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे शाश्वत कपूर को हिमाचल बीजेपी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बनाया है। लखविंदर राणा को रोकने के लिए प्रवक्ता बनाया गया है। हिमाचल में कांग्रेस के संकट में बड़ी भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की मानी गई है। माँ बेटे ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मुहिम में बागियों को हवा दी। सरकार बचाने के लिए जब कांग्रेस ने विधानसभा सदस्यता खत्म कराई तब भी प्रतिभा सिंह ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने एक गलती कर दी। कंगना रनौत को उतारकर मंडी में राजा वीरभद्र सिंह की राजनीति विरासत को चुनौती दे दी। प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह के लिए जरूरी हो गया कि वो मंडी की विरासत को बीजेपी से बचाए। प्रतिभा सिंह ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन बेटे विक्रमादित्य सिंह को कंगना के खिलाफ उतारने पर हामी भर दी। मंडी का लोकसभा चुनाव कांग्रेस या बीजेपी का नहीं, राजा वीरभद्र सिंह के राजनीति विरासत की हार या जीत का सवाल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।